गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल ट्रैवल के चैनल पर। एंड आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं, कुछ काम था, निकल नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो आ गई थी, जाने देते हैं। तो आज जा रहे हैं हम एक बड़ी ही अनोखी जगह पे, जिसका महाभारत काल के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है। अगर आपने मेरे पीछे पहले वाला व्लॉग देखा होगा जहाँ पे हम लोग लाखा मंडल गए थे, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन है, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो आज हम वो एक्चुअली जो लाखा मंडल है वहाँ पे पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान, जब 12 साल का उनका वनवास पूरा हो गया था, तो उसके बाद वो लोग एक साल उन्होंने उस दौरान वहाँ से वो निकले थे। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह है लाक्षाग्रह। लाक्षाग्रह के बारे में आप खैर सभी जानते होंगे, उस लाक्षाग्रह को बनवाया था दुर्योधन ने, क्योंकि वो उनके वनवास के दौरान ही उनको मारना चाहता था। तो उसका एक मंत्री था पुरोचन, उसने पुरोचन को बोला कि पुरोचन वहाँ पे आप एक जगह बनाओ और लाक्षाग्रह जो कि लैकर होता है जिसको बोलते हैं, उसका बना हुआ जो कि बहुत ही फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है। तो उसकी इच्छा थी, उसकी प्लानिंग थी कि उनको लाक्षाग्रह में रख कर तो उनको मार दिया जाए, उसको आग लगा दी जाए तो सब समझेंगे कि आग में पांचों पांडव द्रौपदी और कुंती झुलस गए हैं। लेकिन जब विदुर को इस बात का पता लगा तो उसने अपना एक माइनर भेजा जिसने वहाँ पर जाके सुरंग बनाई। वो सुरंग भी मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊँगा लाक्षाग्रह में। और जब पांडव बाहर घूम रहे थे तो उस टाइम पुरोचन को मालूम नहीं था कि पांडव अंदर हैं या नहीं हैं। तो बाय चांस जो पुरोचन की माँ, पुरोचन की बीवी और पुरोचन के पांच बेटे थे वो लाक्षाग्रह के अंदर आ गए। तो पुरोचन को लगा कि शायद यही वो पांच लोग हैं, वो उनमें फ़र्क कर नहीं पाया तो उसने लाक्षाग्रह को आग लगा दी। तो उसमें उसी के वाइफ, पाँचों बच्चे और उसकी जो मदर थी वो आग में जल के मर गए। और आज वहीं जा रहे हैं हम उस जगह को दिखाने के लिए। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये मैं घर के बाहर पार्क में बना रहा हूँ, निकल चुके हैं एक्चुअली हम घर से, ये कौवा बड़ी देर से शोर मचा रहा है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे लाक्षाग्रह में। बाय। लेकिन ये वो गुफा नहीं है जहाँ से पांडव भागे थे, बच के निकले थे, विदुर ने जब वो गुफा बनवाई थी वो आगे है। हालांकि ये आज की डेट में सिर्फ इसके अवशेष ही बचे हैं यहाँ पे चारों तरफ। लाखा, लाक्षाग्रह, नॉट लाखा मंडल, लाक्षाग्रह। तो ये है यहाँ के बचे हुए अवशेष महाभारत काल के। धन्यवाद। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गुफा की तरफ, जो यहाँ पे पांडवों की गुफा है जहाँ से विदुर के
भेजे हुए आदमी ने जो ये माइनर ने गुफा बनाई थी वो भी दिखाता हूँ मैं भी आपको। वो यहाँ से तकरीबन आधा एक किलोमीटर दूर है, तो अभी उस तरफ भी चलते हैं। ये है यहाँ की गुफा बरनावा, जो बागपत ज़िले में है, मेरठ के पास, दिल्ली से तकरीबन 65-70 किलोमीटर दूर पड़ती है। का निवासी हूं और यहां बरनावे जब भी यज्ञ होता है मैं परमानेंट यहां आता हूं और ब्रह्मचारी जी का शिष्य हूं। यहां पर मैं हमेशा आता रहता हूं, जब भी यज्ञ होगा, साल में 2 यज्ञों 3 यज्ञों मैं यहां हमेशा आता हूं। बहुत हाई लेवल की संस्कृत है, तो ये कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो स्कूल गए ही नहीं, ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला था कि भाई ये तो बहुत अच्छी संस्कृत बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रवचन सुना उनका, तो उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर उनके तकिए के नीचे लिखा कि आप कौन हो। तो उन्होंने अपने ही प्रवचन में बोला कि मुझसे आज तक ये बात किसी ने नहीं पूछी, मैंने भी ब्रह्मचर्य जी किताब पढ़ी है, उनसे ये ज्ञान मिला मेरे को। तो उन्होंने बताया कि आज तक मुझसे बात किसी ने नहीं पूछी, मैं श्रृंगी ऋषि की आत्मा हूँ। तो वो श्रृंगी ऋषि की आत्मा थे ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी, जो यहाँ आके रहे। उन्होंने ये बरनावा का इसका निर्माण किया है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल का संस्कृत विद्यालय है, जो इसी का निर्माण ब्रह्मचर्य जी ने किया। इस पर और लोगों का कब्जा था, उसके बाद उन्होंने कब्जा भी छुटवाया। और यहाँ का इतिहास तो रहा ही, आपको पता ही है कि पांडवों का ये जहाँ लाक्षागृह रहा था, जहाँ उन्हें जलाने की वो करी गई थी, रची गई थी यहाँ। तो इस वजह से ये पुरातन विभाग का भी अभी इस पर बताया कि पुरातन विभाग को दे दिया गया है ये, तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है यहाँ। उनके एक चेले थे महानंद जी, जहाँ अब हम खड़े हैं यहाँ महानंद जी तपस्या करते थे पुराने समय में। ये महानंद जी की तपोभूमि थी, यहाँ महानंद जी तपस्या करते थे। तो इसलिए यहाँ आना भी, आके घूम के जाना भी बहुत बड़ा एक, मान लो तुमने तप कर लिया। थैंक यू। ये भी लाखा मंडल में एक टीला है, उसी का एक ये पार्ट है, काफ़ी पुराना है, ये महाभारत काल का है कहते हैं इसको। अभी ये भाई साहब ने बताया जो यहाँ पे आते रहते हैं, और यहाँ पे एक तरह से केयर टेकर हैं, और उन्होंने यहाँ के बारे में जानकारी दी कि ये जो टीला है, यहाँ पे कोई छोटे से बालक रहते थे जो कि श्रृंग ऋषि की आत्मा थे। अब श्रृंग ऋषि कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता, आप गूगल करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी यहाँ की है। और एक चीज़ और जो मैं हमेशा से बोलता हूँ जब भी मैं जाता हूँ, जो लोग भी यहाँ आते हैं वो ये नाम लिख जाते हैं यहाँ पे इन दीवारों पे, रुचि, राणा जी, पारस, विपिन। यार ऐसा मत किया करो, ये हम लोगों की विरासत है, हिंदुस्तान की विरासत है, हिंदुस्तान के इतिहास की विरासत है। इसको इस तरह से गंदा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपना यहाँ नाम लिख भी जाओगे तो आपको कोई नहीं जानता, बस सिर्फ आप अपने मन की शांति के लिए अपना नाम यहाँ लिख देते हो कि हाँ जी हम यहाँ आए थे। लेकिन इसको खराब मत करो यार, अगर यहाँ से कोई बाहर का आदमी आएगा, कोई फॉरेनर आके देखेगा, वो तो यही कहेगा ना कि यार इंडिया के लोग अपनी जितनी भी पुरानी चीज़ें उन्हें संभाल के नहीं रखते, वो सामने की दीवार पे भी बना रखा है। गलत है, ऐसे मत किया करो यार, रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी मानना ना मानना लोगों की मर्जी। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप भी कभी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पे जाओ तो अगर पहले तो अगर आपको कोई नाम लिखता हुआ दिखे तो उसे मना करो, और ख़ुद भी ऐसा काम मत करो। अब यहाँ से हम चलते हैं लाक्षाग्रह की गुफा में। ये जो आवाज़ आ रही है मंत्रों के उच्चारण की, ये पास में ही एक गुरुकुल भी है जहाँ पे जैसे पुराने टाइम में गुरुकुल होता था, यहाँ पे भी वेदों की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे चार उन्होंने कुंड बना रखे हैं चारों वेदों के नाम पे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो वहाँ पर इस टाइम वहाँ एक पूजा चल रही है और वहाँ पे श्लोक बोले जा रहे हैं, तो उसी की ये आवाज़ है। और अभी हम चल रहे हैं अपना गुफा की ओर, जो कि विदुर ने बनवाई थी। तो हम बात कर रहे थे ये जगह बनवाई थी दुर्योधन ने, क्योंकि
वो चाहता नहीं था कि पांडव जीवित वापस आएं। ये खेतों में से निकलती हुई जगह है सारी, और इस जगह को दुर्योधन ने बनवाया था पांडवों के लिए और उनको बोला था कि आप यहाँ रह सकते हो। लेकिन उसका एक मिनिस्टर था पुरोचन, तो पुरोचन को उसने बोला था कि यहाँ पर तुम एक वैक्स का घर बनाओ, जिसको कि लाक्षाग्रह कहते हैं। वैक्स तो खैर अभी है, उस टाइम तो लाक्षा के नाम से था। लैकर जो होती है वो काफ़ी फ्लेमेबल होती है, और लेकिन जब विदुर को पता लगा कि वो लाक्षाग्रह बना रहा है पुरोचन, तो उसने भी अपने एक माइनर को भेजा। और उस माइनर ने यहाँ पर आकर एक गुफा बनाई, और कहते हैं कि पुरोचन के भी 5 बेटे थे, वाइफ थी उसकी। तो जब पांडव बाहर घूमने गए तो वो 5ों बाई चांस ही आके यहाँ पर सो गए, ऐसा लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, मैंने भी पढ़ा है, आप भी गूगल चेक कर सकते हैं। तो जब आग लगाई गई तो उस टाइम 5ों पांडव और द्रौपदी लाक्षाग्रह में नहीं थे, लेकिन पुरोचन की वाइफ और उसके 5ों बेटे यहाँ पर थे। तो जब आग लगा दी तो वो उसी आग में जल के मर गए थे, हेड काउंट करने के लिए। तो जब दुर्योधन को ये बात पता लगी तो उसने पता कराया कि हाँ जी अंदर 5 जले हुए शरीर हैं। तो उसने काफ़ी खुशी मनाई, लेकिन पांडव उस आग से बच गए थे गुफा में से निकलते हुए। हम चलते हैं उस गुफा की तरफ और आपको गुफा दिखाते हैं। पहले यहाँ पे टीला होता था जिसके ऊपर लाक्षाग्रह बनाया गया था। तो अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है ये जगह, तो उन्होंने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनवा दी हैं उस गुफा तक जाने के लिए। तो 25-30 सीढ़ियाँ हैं, चलते हैं नीचे और देखते हैं गुफा को और आपको भी दिखाते हैं। ये गुफा नहीं है, बस सामने आ गई गुफा। Here we are. ये है वो गुफा जो कि कहा जाता है कि पांडवों के टाइम से पांडव इसी गुफा के थ्रू निकल कर गए थे लाक्षाग्रह में से। और ये गुफा पिछले 1 साल से बंद थी, और इधर होता था सारा लाक्षाग्रह, और इसी के नीचे 2 गुफाएं हैं बेसिकली यहाँ पर। ये है वो गुफा। नहीं नहीं, ये है वो गुफा। ये पहले गुफा यहाँ से बरनावा से हस्तिनापुर तक जाती थी, और अभी इतने युगों से है तो कई बार बारिश की वजह से या ज़मीन धंसने की वजह से ये जगह बंद हो गई है। तो इस वजह से अभी ये कहते हैं कि यहाँ तक गुफा का रास्ता छोटा है, क्रॉल करके जाना पड़ता है, और आगे जाके गुफा में आदमी खड़ा भी हो सकता है पूरा। और ये दूसरी गुफा कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी है, ये कहाँ जाती है? अच्छा, तो इसके बारे में यहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं। अभी 2-3 कदम पड़ी, 100 मीटर ये है गुफा, और खोद के बनाई गई उस जमाने से। ये कहाँ जाती है बोले हमें भी नहीं मालूम, ये गुफा कहाँ तक जाती है। तो चींटियों ने घर बना रखे हैं, मच्छर हैं अंदर, पता नहीं क्या है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा किसी भी तरह का। 2 गुफा है यहाँ पे, अभी तो बंद पड़ी होगी ना ये। तो ये है वो जगह, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ।
ये यहाँ पे पहले टीला होता था, लेकिन अब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता था, तो उन्होंने यहाँ पर ये सारी वॉल्स बना दी हैं। और ये तकरीबन 100-125 मीटर तक जाती है, और आगे से ये गुफा बंद हो गई है। तो मैं अंदर जाना नहीं चाहूँगा, कि क्रॉल करके जाना पड़ेगा, इतनी छोटी गुफा है। आगे जाके बोल रहे हैं कि गुफा ऊंची हो जाती कि आप 6 फीट का आदमी बड़े आराम से खड़ा हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, तो ये था लक्षाग्रह, जहाँ पे पांडवों को मारने की स्कीम बनाई गई थी दुर्योधन के द्वारा, लेकिन वो बच गए थे। और ये हिस्टोरिकल है काफ़ी, और शायद सभी जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज यू नो थिंग्स बेटर देन मी। तो आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। और जल्दी ही हम घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, फ्रेंड से बात हो गई है, अब देखते हैं आज जाना है या कल जाना है। तो यहाँ से अब हम वापस घर की तरफ चलते हैं, और शायद कल सुबह हम निकलेंगे। कल सुबह कहाँ जाएंगे अभी ऐसा डिसाइड नहीं किया। गाड़ी में बैठेंगे, चल पड़ेंगे, जहाँ कोई मिलेगी जगह उधर को ही निकल जाएंगे। और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और कल या जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।